मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीतकर न केवल अपने शहर का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। मुंबई के वर्ली में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में निकिता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हुए यह किताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश से पहली बार किसी ने यह किताब जीता है। अब निकिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उज्जैन स्थित उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर परिवार में खुशियों का माहौल है, परिजन उत्साहित हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं निकिता की सफलता की कहानी के बारे में। तो संस्कारित थी बेटी हमारी और रामलीला से भी जुड़ी रही वो और सुरेश सर के साथ में और उसकी क्या प्रकार से पढ़ाई हमने चालू करी, कहाँ जाके? वो कार्मेल से उसने 12th किया था, कार्मेल का। उसके बाद साजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ये एक्टिंग का, स्क्रिप्ट राइटर का, राइटिंग का और ये सब उसने कोर्स किया वहाँ से, डिग्री कोर्स। उनको कहीं एक फिल्म या एक के संबंधित? हाँ, उनकी एक फिल्म बनी है चंबल पार, उसमें लीड रोल है हीरोइन का उसका। उसके मैंने ट्रेलर देखा था और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चल रही है वो मूवी अभी। जब आपको ये पता पड़ा कि मेरी पुत्री मिस इंडिया बनी, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब रिएक्शन क्या बताया हम उसको, जब रात को 12 बजे में तो सो रहा था, जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वहाँ पर तो रात की 12 बज गई थी करीब। तो हम तो सो रहे थे तो बच्चों ने उठाया कि निकिता ने मिस इंडिया खिताब जीत लिया, तो दो अमृत एक साथ पीने को मिल गए। एक तो निकिता बिटिया का जो है मिस इंडिया का खिताब और दूसरा ऊपर का चंद्रमा का, तो वो भी अमृत, तो अमृत पान की है हमने, बड़ा से खुशी का इजहार होगा, तो अनुमान लगा ही लगता है कितना खुशी हुई होगी। बहुत सारे माता पिता भी ये चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोकते बच्चों को, वो सामाजिक कुरूतियां हैं और कुरूतियों की ओर ध्यान देंगे, जो कुरूतियां मिटाना चाहिए तो मिटाते नहीं है। और जिसमें आज बेटियां IPS है, IAS अधिकारी हैं, फ्लाइट उड़ाती हैं, बड़े बड़े वहाँ पर फौज के अंदर सेना में कमांडर का काम कर रही है, तो बच्चियां कोई कमजोर तो है नहीं, उनको उनको मौका देना चाहिए। बाबा महाकाल की कृपा निकिता पे रही है और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निकिता मिस इंडिया में फर्स्ट रनर अप रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लोकल एटिंग के लिए उज्जैन से शुभम मरमाट की रिपोर्ट।